जैसलमेर द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया बाकी राजस्थानी सिटी से थोड़ा अलग है बिकॉज यहाँ पे फोर्ट्स, हवेलीज, राजस्थानी कल्चर और फूड के साथ साथ आप कैंपिंग, कैमल राइडिंग, जीप सफारी और पैरासेलिंग जैसे एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं और वो भी डेजर्ट में। सो इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताऊंगा एंड एज यूजुअल आइटनरी भी शेयर करूंगा सो दैट आप कोई भी प्लेस मिस ना करें अपनी ट्रिप पे। और वीडियो के एंड में मैं थोड़ी सी एसेंशियल चीजें भी आपको बताऊंगा जो आपको आपकी जैसलमेर की ट्रिप की पैकिंग में इंक्लूड करनी है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो गाइज, माय नेम इज करण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल सिंड्रोम। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट प्लेस व्हिच इज जैसलमेर फोर्ट। महारावल जैसल देव सिंह, जिसके नाम पे सिटी का नाम रखा गया जैसलमेर, उन्होंने 1156 में ये फोर्ट की नींव रखी थी और इस फोर्ट को कम्प्लीटली बनने में 700 इयर्स लगे। जैसलमेर फोर्ट एशिया का एक ही ऐसा फोर्ट है जहाँ पे लोग अभी भी अंदर रह रहे हैं। ये फोर्ट के अंदर आपको रेसिडेंस, हॉस्टल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और भी काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी। फोर्ट की कोई एंट्री टिकट नहीं है, बट इसके अंदर अगर आपको किंग एंड क्वीन पैलेस देखना है देन उसकी एंट्री टिकट है 100 rupees पर पर्सन, और अगर आपको मोबाइल या फिर कैमरा यूज करना है फॉर वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी देन उसके 150 rupees एक्स्ट्रा टिकट है। इसके अलावा फोर्ट में देखने के लिए काफी सारे व्यू पॉइंट्स हैं, जहां से आपको पूरे जैसलमेर का व्यू मिलता है। एक 450 इयर्स ओल्ड हाउस है जिसका नाम है बाकी हवेली और उसकी एंट्री टिकट है 50 rupees पर पर्सन, और उसके अलावा 7 जैन टेम्पल्स भी यहां पे आप देख सकते हो जो ट्रस्ट मी काफी ब्यूटीफुल है। हमने इस फोर्ट पे गाइड के साथ एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। इसके अलावा जितने भी प्लेसेस मैंने इस वीडियो में मेंशन किए हैं उन सारी प्लेसेस पे भी हमने डिटेल वीडियो बना रखी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके जैसलमेर की सीरीज देख सकते हैं इस वीडियो देखने के बाद। नेक्स्ट प्लेस इन अवर लिस्ट इज पटवाओ की हवेली। जैसलमेर में फोर्ट के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई प्लेस फेमस है तो वो है पटवाओ की हवेली। यहाँ पे 3 हवेलियां हैं, जिसमें से 2 हवेलियां आप अंदर से विजिट कर सकते हैं, जिसमें से एक है कोठारी पटवा हवेली और दूसरी है दीवान नतमल जी की हवेली। पटवा हवेली की एंट्री टिकट है 100 rupees पर हेड और इसको पूरा देखने में आपको अप्रॉक्स 1 hour का टाइम लगेगा। इसमें उस जमाने में यूज की जाने वाली घर की चीजें, कपड़े, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और भी काफी सारी चीजें रखी गई है डिस्प्ले में। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ये हवेली डेफिनेटली विजिट करें। नेक्स्ट है दीवान नतमल की हवेली, जिसकी एंट्री टिकट है 50 rupees पर हेड और उसमें 5 खाली रूम्स है जो आप देख सकते हैं और उसके अलावा कोई भी पार्ट पब्लिक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। थर्ड प्लेस हमारे लिस्ट में जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट इज अ लेक। गड़ीसर लेक एक आर्टिफिशियल लेक है और ऐसा बोला जाता है कि पहले ये लेक पूरे जैसलमेर सिटी को पानी प्रोवाइड करती थी, पर अभी तो इंदिरा गांधी कैनाल से इस लेक में पानी आता है। यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ साथ लोकल शॉपिंग का भी मजा ले सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर नेक्स्ट प्लेस विच इज बड़ा बाग। बड़ा बाग जैसलमेर से कुछ 6 kilometers दूर है। बड़ा बाग अपने राजाओं को समर्पित क्षत्रियों के लिए भी काफी फेमस है। यहाँ पे कई राजाओं की कब्रें भी बनी हुई है। बड़ा बाग एक हिल पे सिचुएटेड है और यहाँ पे 4 डिफरेंट साइजेस में छत्रियां हैं फॉर किंग्स, क्वींस, द प्रिंसेस और बाकी रॉयल फैमिली मेंबर्स के लिए। बड़ा बाग की जो एंट्री टिकट है वो है 100 rupees पर पर्सन एंड अगेन आपको यहाँ पे अगर कैमरा यूज करना है तो आपको 150 rupees एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। बड़ा बाग की छत्रियों से मिलती जुलती जगह है व्यास छत्रिया, जो कि एक शमशान है और यहाँ पर ब्राह्मणों का अंतिम संस्कार किया जाता था। व्यास छत्रिया अपनी छत्रियों के साथ साथ सनसेट के लिए भी फेमस है। व्यास छत्रिया की एंट्री टिकट है 50 rupees पर पर्सन एंड अगेन कैमरा आपको यूज करना है तो आपको 50 rupees एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट प्लेस जो हमारे लिस्ट में है वो इस ट्रिप की मेन आइलैंड है विच इज कैंपिंग एट सैंड ड्यून्स। सो अगर आप जैसलमेर गए और सैंड ड्यून्स डेजर्ट में आपने नाइट कैंपिंग नहीं की देन आपकी ट्रिप अधूरी है। यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स हैं जहाँ पे आप नाइट में टेंट में रुक के कल्चर प्रोग्राम, जीप सफारी, कैमल राइडिंग, पैराग्लाइडिंग जैसे एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक से लेके लग्जरी टेंट सभी देखने को मिलेंगे, सो आप अपने बजट के हिसाब से कैंप, टेंट और एक्टिविटीज सिलेक्ट कर सकते हैं। हम जिस कैंप में रुके थे उसका रेंट था 4500 rupees पर नाइट फॉर 3 people, जिसमें ब्रेकफास्ट, डिनर, हाई टी, स्नैक्स और कैमल राइडिंग के साथ साथ कल्चरल प्रोग्राम एट नाइट भी इंक्लूडेड था। वॉच आवर वीडियो फॉर मोर डिटेल्स। सैंड ड्यून्स से चेकआउट करने के बाद आप विजिट कर सकते हैं कुलदरा, जो कि एक अबैंडन विलेज है। यहाँ पे काफी सारी फिल्मों की और सॉन्ग्स की शूटिंग भी हुई है और ये एक हॉन्टेड विलेज के नाम से भी जाना जाता है
बट रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। और इस विलेज की जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। आपने काफ़ी सारे टूटे हुए फोर्ट्स, हवेलियाँ या फिर घर देखे होंगे, बट ट्रस्ट मी, ये विलेज को देख के आपको कुछ अलग ही वाइब मिलेगा। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप ये प्लेस विजिट करें। सो अभी तक मैंने जितने भी प्लेसेस मेंशन किए हैं वो सभी जैसलमेर के या तो अंदर है या फिर आसपास है। सो आप आराम से 3 डेज में ये सभी प्लेसेस कवर कर सकते हैं। नाउ मैं 2 और प्लेसेस की बात करने वाला हूँ जो जैसलमेर से थोड़े डिस्टेंस पे है बट उसका इम्पोर्टेंस इतना ही ज्यादा है। हमारी लिस्ट में जो फर्स्ट प्लेस है वो है तरणोत माता टेम्पल, जो कि कुछ 120 किलोमीटर दूर है जैसलमेर से। ये जो मंदिर है वो इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर से भी बहुत नजदीक है। ये टेम्पल की एक बहुत ही अमेजिंग हिस्ट्री है। यहाँ पे 1965 इंडिया पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी उसके दौरान 3000 से भी ज्यादा बॉम्ब्स फेंके गए थे इस मंदिर के ऊपर और इसके आसपास के एरिया में। एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इसमें से एक भी बम नहीं फटा था। और जब आप ये मंदिर विजिट करोगे तब अभी भी वहाँ पे उस टाइम पे फेंके गए पाकिस्तानी बॉम्ब्स रखे हुए हैं और आप देख भी सकते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट एट ऑल लीस्ट प्लेस इन आवर लिस्ट इज लोंगेवाला युद्ध स्थल, जहाँ पे 1965 इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। यहाँ पे उस युद्ध में यूज हुई इंडियन टैंक्स, गन्स, बंकर और उसके साथ साथ पाकिस्तान की डिस्ट्रॉय करी गई टैंक्स और कार्स भी उसी हालत में रखी हुई है। रिसेंटली यहाँ पे लोंगेवाला वॉर मेमोरियल का भी इनॉग्रेशन हुआ था जो आप विजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे टैंक्स, गन्स, फाइटर जेट्स भी रखे हुए हैं और वो भी असली वाले। और उसके साथ साथ काफी सारी इन्फॉर्मेशन भी है उस टाइम पे जो वॉर हुई थी उसके रिलेटेड। ट्रस्ट मी गाइज, ये प्लेस विजिट करके आपको डेफिनेटली प्राउड फील होगा, सो डोंट मिस इट। सो गाइज, ये थे कुछ प्लेसेस जो हमने विजिट किए थे इन आवर जैसलमेर ट्रिप। सो आई होप ये आप भी जब जैसलमेर ट्रिप पे जाएंगे तो ये सारे प्लेसेस कवर करेंगे। और इसीलिए मैं अब आपको एक डे टू डे आइटनरी देने वाला हूँ ताकि आप आराम से ये सारे प्लेसेस कवर कर सके। ओके, सो ऑन डे 1 इन द मॉर्निंग आप जैसलमेर फोर्ट विजिट करें। इट विल टेक अराउंड 2 आवर्स और फोर्ट के सामने ही आप सुबह सुबह लोकल खाने का मजा ले सकते हैं, स्पेशली दाल पकवान। ट्रस्ट मी, बहुत ही यम्मी मिलता है। अगर आपको डिटेल में हिस्ट्री जानने में इंटरेस्ट है तो आप गाइड भी रख सकते हैं। और अगर आप गाइड सिलेक्ट कर रहे हैं देन फोर्ट और हवेली के लिए आप एक ही गाइड रखिए, क्योंकि वो आपको इजी भी पड़ेगा और सस्ता भी। आफ्टर जैसलमेर फोर्ट विजिट पटवाऊ की हवेली अराउंड 11 AM। ये 3 हवेलियां है और इसको विजिट करने में आपको अप्रोक्स 1.5 hours to 2 hours लगेगा। ऑल्सो हवेलियां विजिट करने के लिए आप फोर्ट से ही ऑटो कर लेना, क्योंकि ये तीनों हवेलियां थोड़े डिस्टेंस पे है और आपका काफी सारा टाइम सेव होगा। आफ्टर लंच आप विजिट करें गड़ीसर लेक और वहाँ पे बोटिंग का मजा ले। एंड ऑल्सो आप वहाँ पे थोड़ा लोकल शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद इवनिंग में विजिट करें व्यास छत्रिया फॉर एन ऑसम सनसेट। और उसके बाद आप डिनर करें आपकी मनपसंद प्लेस पे एंड यू कैन कॉल इट अ डे। ऑन डे 2 आप विजिट करें बड़ा बाग इन द मॉर्निंग एंड इन नून आप चेक इन करें डेजर्ट सफारी कैंप में फॉर योर नाइट स्टे। यहाँ पे आप डेजर्ट सफारी, कैमल राइड, कल्चरल प्रोग्राम और बाकी सारी एक्टिविटीज का भी मजा ले सकते हैं। ऑन डे 3 डेजर्ट कैंप से आप चेकआउट करके विजिट कर सकते हैं कुलदरा ऑन द वे टू योर होम। तरणोत माता टेम्पल और लोंगेवाला बॉर्डर विजिट करने के लिए आपको एक पूरा दिन चाहिए होगा। सो आप ये 3 डेज में से किसी एक डेज में एडजस्ट कर सकते हैं या फिर एक दिन एक्सटेंड करके आप पूरा दिन तरणोत माता टेम्पल और लोंगेवाला विजिट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट की जो पैकिंग असेंशियल्स है, मतलब आपको जो चीज़ें पैक करके लेके जानी है अपनी जैसलमेर ट्रिप में, वो सारी चीज़ें बहुत ही छोटी है बट जैसलमेर में अगर आप हॉट समर में या फिर डेजर्ट सफारी के लिए जा रहे हो इट्स रियली असेंशियल। सो उसमें है शूज़, सनग्लासेस, सनस्क्रीन और एक कैप। इतनी चीज़ें आप डेफिनेटली लेके जाइए क्योंकि आपको डेजर्ट सफारी में और जैसलमेर के हॉट समर में बहुत काम लगने वाली है। सो गाइज, दैट्स इट फॉर प्लेसेस टू विजिट इन जैसलमेर वीडियो। आई होप मैंने सारे प्लेसेस अच्छे से कवर करके अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दे दी है ताकि आप अपनी ट्रिप आराम से प्लान कर सके। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो एन्जॉयड द व्लॉग्स ऑफ जैसलमेर। अगर अभी तक आपने जैसलमेर के व्लॉग्स नहीं देखे देन लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, जाइए प्लीज चेक इट आउट, बहुत ही अमेजिंग व्लॉग्स बने। एंड ऑल्सो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाइव हो उसके सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। एंड आई विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।